नमस्कार, स्वागत है आपका श्री शरणम चैनल में। आज हम बात करेंगे चतुर्मास के बारे में। क्या आप जानते हैं कि चतुर्मास क्या है? आषाढ़ मास की देवशयनी के बाद से 4 माह के लिए व्रत और साधना का समय प्रारंभ हो जाता है, जिसे चतुर्मास कहते हैं। सावन, भादव, अश्विन और कार्तिक, इन 4 माह में कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करते हैं। आओ जानते हैं इनके कुछ कारण। पहला कारण, 4 माह के लिए देव यानी कि श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, इसीलिए सभी तरह के मांगलिक और शुभ कार्य बंद हो जाते हैं, क्योंकि हर मांगलिक और शुभ कार्य में श्री हरि विष्णु सहित सभी देवताओं का आवाहन किया जाता है। दूसरा कारण, देवशयनी एकादशी के बाद 4 महीने तक सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति का तेजस तत्व कम हो जाता है। शुभ शक्तियों के कमजोर होने पर किए गए कार्यों के परिणाम भी शुभ नहीं होते, इसीलिए मांगलिक कार्य भी बंद हो जाते हैं। तीसरा कारण, इस अवधि में यात्राएं रोककर संत समाज एक ही स्थान पर रहकर व्रत, ध्यान और तप करते हैं, क्योंकि यह 4 माह मांगलिक कार्यों के लिए नहीं अपितु तप, साधना और पूजा के लिए होते हैं। इस माह में की गई पूजा, तप या साधना जल्द ही फलीभूत होती है। चौथा कारण, मांगलिक कार्यों में हर तरह का भोजन बनता है, लेकिन चतुर्मास में वर्षा ऋतु का समय होता है और इस दौरान भोजन को सावधानी पूर्वक चयन करके खाना होता है, अन्यथा किसी भी प्रकार का रोग हो सकता है। 4 माह में किस तरह का भोजन करना चाहिए और किस तरह का भोजन नहीं करना चाहिए यह बताया गया है, इसीलिए इस समय कोई भी मांगलिक कार्य शुभ नहीं होते। पांचवा कारण, इन महीनों को कामना पूर्ति के महीने भी कहा जाता है। इस माह में जो भी कामना की जाती है उसकी पूर्ति होती है, क्योंकि इस माह में प्रकृति खुली होती है। छठा कारण, ये 4 माह सेहत सुधार कर आयु बढ़ाने का माह भी होता है। यदि आप किसी भी प्रकार के रोग से ग्रस्त हैं तो आपको इन 4 माह में व्रत और चतुर्मास के नियमों का पालन करना चाहिए। इन 4 माह में बाल, दाढ़ी और नाखून नहीं काटते हैं, इसलिए इस माह में मांगलिक कार्यों को करने का कोई मतलब नहीं होता। सातवां कारण, सूर्य जब से कर्म राशि में भ्रमण करने लगता है तो उसके बाद 6 माह तक वह दक्षिणायन रहता है। दक्षिणायन को पितरों का समय और उत्तरायण को देवताओं का समय माना जाता है, इसीलिए दक्षिणायन समय में किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य शुभ नहीं माना जाता। आठवां कारण, इन 4 माह में विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, जात कर्म संस्कार आदि कार्य नहीं किए जाते हैं, क्योंकि चतुर्मास को नकारात्मक शक्तियों के सक्रिय रहने का मास भी कहा जाता है। नवा कारण, चतुर्मास में श्री हरि विष्णु 4 माह के लिए पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ शयन करने चले जाते हैं और उनकी जगह भगवान शिव ही सृष्टि का संचालन करने लगते हैं। तब भगवान शिव के गण भी सक्रिय हो जाते हैं। ऐसे में यह शिव पूजा, तप और साधना का माह होता है, मांगलिक कार्यों का नहीं। दसवा कारण, हिंदू व्रत और त्योहारों का संबंध मौसम से भी रहता है, इसीलिए अच्छे मौसम में मांगलिक कार्य और कठिन मौसम में व्रत रखे जाते हैं। चतुर्मास में वर्षा, शिशिर और शीत ऋतुओं का चक्र भी होता है, जो कि शीत प्रकोप पैदा करते हैं, इसीलिए सभी तरह के मांगलिक और शुभ कार्य इन माह में नहीं किए जाते हैं। तो ये थे कुछ कारण जो चतुर्मास के थे, कि चतुर्मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आपको कैसी लगी ये जानकारी हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।